हमारे पास तो जमीन है 5 एकड़ और पट्टा नहीं है, और जो भी फसल बोया वो भी इस साल तक कछु नहीं आए हमारे पास, पूरी सड़ गई। 1 कुंटल सोयाबीन बोया तो बिल्कुल काटे नहीं हमने, मक्का बोए से मक्का भी नहीं हुए, अब हम महुआ बीन रहे। इन दिनों सिम्बा बाई जंगल में लगे महुआ बीन बीन के अपना घर का गुजारा चलाती है, और 1 महीने बाद जो तेंदू पत्ती आती है उसे तोड़ने की आस लगाए हुए है कि अब 1 महीने बाद तेंदू पत्ती आएगी तो उससे उनका गुजारा चलेगा। अगर हमारे पास जमीन रहेगी तो हमें शासन की जो योजना चल रही है उससे हम बेनिफिट लाभ मिलेगा उससे। नियम ये है कि जिसको 2005 से जुर्माना रसीद या उनका कागज जो है वो दिया गया है उनको पट्टा जारी किया जाना है, नहीं तो वो पट्टे से वंचित रह जाते हैं। पटवारी हमारा कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ। पटवारी से भी काफ़ी बोल चुकी है कि हम लोगों को जमीन नहीं है तो जमीन दो, बाकी बोलते हैं 10,000 रुपये दीजिए हमारे। हाँ तो मिल जाए सब बोल दे तो भाई पट्टा आज तक नहीं दे रहे। और ये रसीद आपको कौन देते हैं? ये रसीद तहसीलदार ने दी है। सिम्बाबाई और उस गांव गीदन में रहने वाले सभी 55 परिवार जो वार्ड नंबर 19 में हैं वो ये चाहते हैं कि उनको 2005 के पहले का जुर्माना और जो काविज हैं वो दिया जाए और पट्टा दिया जाए। ब्लॉक बटियागढ़ के तहसीलदार महोदय जी का नंबर है 91-79-00-57-44। जो प्रभावित लोग हैं समस्या से, मेरी उन सभी से ये अपील है कि इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करें और अपना दबाव बनाएं और बदलाव की कोशिश करें। मैं आरती वाल्मीकि, बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए।